अरे जिस तरह की लंपट राजनीति की संस्कृति वहां फिर से दिखी, 6 वर्षों के बाद भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं दिखा, बिहार की जनता तो समझ गई ना कि तेजस्वी यादव जी मुखौटा पहन के चल रहे हैं। बिहार उपचुनाव के एक सीट पर रिजल्ट आ चुके हैं और कुशेश्वर स्थान से जदयू जीत गई है। इस बीच अगर हम दूसरे सीट की बात करें तो वहां से भी जदयू लगातार बढ़त में है और इस बीच हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, इनसे हम जानेंगे कि दिवाली से पहले हाउ इज द जोश। देखिए, ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के महान मतदाता मालिकों ने एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के एनडीए समर्थित उम्मीदवार अमन भूषण हजारी जी को विजयश्री का तिलक लगाया है, वहां से जीत दर्ज की है। सबसे पहले हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं वहां के महान मतदाता मालिकों पर, जिन्होंने फिर से एक बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई है। हमारे विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है कि जिन लोगों ने दिवंगत विधायक जी की मृत्यु पर भी राजनीति करने की कोशिश की थी, जीत का मार्जिन हमारा दुगना हो गया है पिछली बार से। तो जो अपेक्षाएं महत्वाकांक्षाएं हैं जनता की, उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहां तक दूसरी सीट का सवाल है, वहां अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, वहां 29 राउंड की अभी गिनती होनी है, 11-12 राउंड की अभी गिनती बाकी है। तो हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित है कि वहां पर भी जो नतीजे हैं वो हमारे पक्ष में आएंगे। लालू यादव का चुनावी मैदान में उतरना क्या आरजेडी को वो बेनिफिट दे गया या नुकसान दे गया? उनका उतरना हमें बेनिफिट दे गया। अरे जिस तरह की लंपट राजनीति की संस्कृति वहां फिर से दिखी, 6 वर्षों के बाद भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं दिखा, बिहार की जनता तो समझ गई ना कि तेजस्वी यादव जी मुखौटा पहन के चल रहे हैं। अरे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर तक गायब कर दी थी, फिर से समीक्षा बैठक में तस्वीर ले आए, मतलब जीते तो आप, हारे तो माँ बाप। तो ये जो कोशिश की उन्होंने, कोशिश कामयाब नहीं हुई, हर एक हथकंडा अपनाया। लालू जी के आने से लोगों के मन में फिर से दहशत आ गई कि जंगल राज का वो दौर वापस लाना चाहते हैं ये लोग। मतदाता मालिकों ने जमकर वोट की दिया और अभी नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं, आशान्वित हैं जो दूसरी सीट है वो भी हमारे उम्मीदवार ही जीतेंगे। आरजेडी का ये कहना है कि ये चुनाव सरकार के जो चुनाव होते हैं वो देख रेख में होता है और सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में ये चुनाव हुआ है। देखिए, इन लोगों की स्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है जो पढ़ता नहीं है, परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, परीक्षा देता है मालूम है कि फेल हो जाएगा, तो परिणाम आने से पहले तरह तरह के बहाने बनाता है, तो बहाने बनाने दीजिए उनको। अरे भाई, आपको स्वतंत्र संस्थाओं पर, लोकतंत्र पर जब विश्वास नहीं है तो आपको किस पर विश्वास होगा? सचमुच आपको, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप खुद ही अंदर से हिले हुए हैं। ये जो मेजॉरिटी मिला है, क्या इसको जो जदयू है वो किस तरह से देखती है और अब आगे क्या रणनीति? देखिए, मेजॉरिटी में तो पहले ही एनडीए है, लेकिन हमारे परिवार के 2 विधायक दिवंगत हो गए थे, आज भी हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना होता है, उसी क्रम में यहाँ पर चुनाव हुए थे और हर पार्टी जोर आजमाइश करती है। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग पूरी मुश्तैदी के साथ चुनाव में जाते हैं, पार्टी भी, पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो मजबूती से चुनाव में गया था, एक सीट पर हमें जीत हासिल हुई है, दूसरी सीट के लिए भी हम लोग आशान्वित हैं। पटाखे फूटेंगे? देखिए, अब हम लोग कभी भी अति उत्साह में विश्वास नहीं रखते हैं। आपने जब भी हमारे नेता से पूछा है सवाल, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, उन्होंने क्या कहा है, हम लोग तो काम में विश्वास रखते हैं, जनता को अपनी बातों को कहते हैं, बताते हैं, बाकी सब मतदाता मालिकों के हाथ में होता है, तो हम लोगों ने सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दिया। चलिए, तो ये जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे जिन्होंने बताया कि जो दोनों सीट पर है, इन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे, एक सीट पर तो हम चुनाव जीत गए हैं और दूसरे सीट पर भी हम चुनाव जीतेंगे। इस बीच हमें अपना जो हौसला है और जो हमारे जो उत्साह है उसको हमें काबू रखते हुए हमें आगे अपने पार्टी को लेकर के चलना है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।